कोविड-19 की दूसरी लहर की तरह संभावित तीसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत न होने के लिए मंडी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियां की जा रही है। जोनल अस्पताल मंडी में पीएम केयर्स के माध्यम से 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन बनाने के लिए 1 करोड़ की लागत वाले पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का कार्य चला हुआ है। इसके तहत उपकरण जोनल अस्पताल पहुंच गए हैं और स्थापित करने की कवायद शुरू हो गई है। इसका सिविल कार्य लगभग पूरा कर दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट डीआरडीओ की ओर से भेजा गया है और सिविल कार्य एनएचआई द्वारा किया जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रशासन द्वारा इस ऑक्सीजन प्लांट के लिए बिजली के ट्रांसफार्मर की क्षमता को भी 250 से 400 केवी तक कर दिया गया है। इसके साथ ही पावर बैकअप के लिए डीजी सेट भी लगवा दिया गया है। जानकारी देते हुए जोनल अस्पताल मंडी के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर धर्म सिंह ने कहा कि अस्पताल में वर्ष 2016 से ही मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम कार्य कर रहा है। इसके तहत मैनिफोल्ड के माध्यम से 112 बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि हाल ही में जिलाधीश मंडी के आदेशानुसार सर्जिकल ब्लॉक में ऑक्सीजन युक्त 72 और बेडों को बढ़ाया गया है। इससे जोनल अस्पताल मंडी में अब कुल 184 बेड सेंट्रल ऑक्सीजन सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल के मैनिफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। मैं डॉक्टर धर्म सिंह, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जोनल अस्पताल मंडी। जब ये कोरोना की सेकंड वेव पीक पर चल रही थी तो उस दौरान देखने में आया कि ज्यादातर मरीजों को जो है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। इसको देखते हुए भारत सरकार ने पीएम केयर्स के माध्यम से जोनल अस्पताल मंडी को 1000 लीटर पर मिनट कैपेसिटी का एक पीएसए यानी कि पावर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट जो है वो सैंक्शन किया और डीआरडीओ के माध्यम से ये प्लांट जो है 8 जुलाई को जो है जोनल हॉस्पिटल मंडी पहुंच गया और यहां पर इसको अनलोड कर दिया गया है। इसका जो सिविल वर्क है वो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इस प्लांट की कॉस्ट लगभग 1 करोड़ के करीब है और इसका जो इस प्लांट को लगाने के लिए जो है हमने जोनल अस्पताल मंडी में जो हमारा ट्रांसफार्मर था उसको 250 केवीए से अपग्रेड करके 400 केवीए कर दिया है बिजली बोर्ड के माध्यम से। साथ ही पावर बैकअप के लिए हमने डीजी सेट भी यहां पर लगवा दिया है और सिविल वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और डीआरडीओ के इंजीनियर जो है वो हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही इंजीनियर्स आएंगे और इस प्लांट को जो है इसकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग का कार्य जो है पूर्ण होगा। और इसके साथ ही मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि जोनल अस्पताल मंडी में मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम जो है वो 2016 से ही यहाँ कार्य कर रहा है। 112 बेड हमारे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है मैनिफोल्ड के थ्रू और इसमें अभी हमने रिसेंटली जो है डीसी साहब के निर्देशों पर 72 पॉइंट जो हैं सर्जिकल ब्लॉक जिसमें कि ऑर्थो वार्ड है, सर्जरी वार्ड है, न्यू गायनी वार्ड है, उसमें हमने 72 ऑक्सीजन आउटलेट्स और बढ़ाए हैं। तो अब कुल मिलाकर के 184 ऑक्सीजन बेड्स जो हैं जोनल अस्पताल मंडी में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के थ्रू कनेक्टेड हैं। मैनीफोल्ड में पहले हमारे पास 10+10 यानी कि 20 डी टाइप सिलेंडर्स का मैनीफोल्ड अवेलेबल था, उसमें हमने एडिशन ऑल्ट्रेशन करवा के उसमें 10+10 यानी कि 20 डी टाइप सिलेंडर्स और एडिशनल जो है ऑक्सीजन मैनीफोल्ड की कैपेसिटी को बढ़ाया और साथ में उसमें 5+5 यानी कि 10 डी टाइप सिलेंडर्स का एक एमरजेंसी बैकअप भी वहाँ पे जो है कार्य करना शुरू कर दिया है। तो मैनीफोल्ड का भी जो हमारी एडिशन अल्ट्रेशन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब इस इंतजार इस बात का है कि कब डीआरडीओ के इंजीनियर आते हैं और इस ऑक्सीजन प्लांट की जो है इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करते हैं। तो इसके लिए मैं भारत सरकार का और हिमाचल सरकार का धन्यवादी हूँ कि इस तरह की फैसिलिटी जो है जोनल अस्पताल मंडी में उपलब्ध कराई गई और आने वाले कोविड थर्ड वेव जिसका कि जिक्र बार बार हो रहा है अगर उसमें जरूरत पड़ती है तो ये फैसिलिटी जो है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी, मंडी वासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।